नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। युवा सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार गोंगो बहरों की नहीं है, यह सरकार सबके सुनती है। सरकार की जिम्मेदारी है लोगों की सेवा करना और उनका विकास करना। सीएम ने कहा कि उन्हें अधिकारियों से सही जानकारी नहीं मिलती। पूर्ववर्ती सरकारों में ना ब्लॉक लेवल पर काम होता था और न ही जिला लेवल पर। यह सरकार द्वार द्वार जाकर लोगों की समस्याओं का निपटारा कर रही है। मौका था आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का। कोडरमा के बागी डांस स्टेडियम में आयोजित समारोह में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि शिविर के माध्यम से हमने खूब काम किया। सीना ठोककर कह सकते हैं कि आज हर बुजुर्ग दिव्यांग और विधवा को पेंशन मिल रही है। पहले विधवा होने पर 40 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलती थी। धनबाद जेल के अंदर गैंगस्टर अवन सिंह की हत्या के बाद तलब किए गए जेल आईजी उमाशंकर सिंह वर्चुअल रूप से आज झारखंड हाईकोर्ट में हाजिर हुए। हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि इस मर्डर केस में बड़ी साजिश और पॉलिटिकल एंगल दिख रहा है, ऐसे में सरकार एसआईटी बनाकर जांच कर सकती है या नहीं, इस सवाल का जवाब देने को कहा गया है। आईजी ने अदालत को बताया कि डीएम लॉ एंड ऑर्डर अपर समाहर्ता और सिटी एसपी धनबाद की एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी जेल में सुरक्षा की चूक हुई या नहीं इसकी जांच कर रही है। सीआईडी आईजी भी जांच कर रहे हैं। अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। राजधानी रांची में ईडी रेस है। रांची के बरियातू रोड में स्थित बर्लिन अस्पताल में ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। यह अस्पताल रांची में पदस्थापित एक आईएएस की पत्नी के नाम से है। ईडी की टीम अस्पताल के दस्तावेज को खंगाल रही है। इल्जाम है कि जमीन के दस्तावेज में गड़बड़ी कर यह हॉस्पिटल खड़ा किया गया है। अस्पताल के जमीन की मापी के लिए एक अमीन को बुलाया गया। ईडी को शिकायत मिली थी कि जमीन की प्रकृति बदल कर इसकी खरीद की गई है। जमीन करोड़ों रुपए की है। जमीन पर बर्लिन अस्पताल का निर्माण कराया गया है। ईडी ने हॉस्पिटल के संचालक आईएएस की पत्नी से कई सवाल पूछे हैं। जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर एक और आईएएस बहुत जल्द ईडी के पंजे में आ सकते हैं। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी को घर में घुसकर गोली मार दी गई। वहीं गनमैन नरेंद्र को भी गोली मारी गई। भागते हथियारों ने स्कूटी सवार नवीन को भी गोली मारकर उसकी स्कूटी छीन ली। लहूलुहान सुखदेव सिंह ने एसएमएस अस्पताल में दम तोड़ दिया। सुखदेव सिंह की हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दो शूटरों के चेहरे कैद हो गए हैं। खबर है कि मारने 4 शूटर आए थे। सुखदेव सिंह की हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपत नेहरा का नाम उछला है। खबर है कि सुखदेव सिंह को संपत नेहरा ने जान से मारने की धमकी दी थी। तब इस बात की शिकायत जयपुर पुलिस से की गई थी। यह दुस्साहसिक वारदात राजस्थान के जयपुर के श्याम नगर में हुई। भाजपा के दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य की जनता खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। पुलिस का काम अपराधियों को पकड़ना और उसे सजा दिलाना है, वहीं लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त रखना है, लेकिन यहां राज्य सरकार ने पुलिस को वसूली में लगा दिया है, ऐसे में वो अपना काम कैसे कर पाएंगे। धनबाद जेल के अंदर मर्डर ने सरकार के कानून व्यवस्था की पोल पट्टी खोल कर रख दी है। अमन सिंह मर्डर केस में जेल के आला अधिकारी मिले हुए हैं। बिना उनकी मर्जी के जेल के अंदर पिस्टल जा ही नहीं सकती। झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मंगलवार को दुमका परिसदन में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने 4 साल के कार्यकाल में कोई भी विकास का कार्य नहीं किया है। चक्रवाती तूफान मेचाओं का असर झारखंड में साफ दिखाई दिया। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई, धूप तक नहीं निकली, कनकनी भी बढ़ गई। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि मेचाओं तूफान का असर झारखंड में 5, 6 और 7 दिसंबर तक रहेगा। तूफान की वजह से तेज हवा और बारिश होने के आसार हैं। तेज हवा के चलते बिजली गुल हो सकती है। सभी एरिया बोर्ड के जीएम को सचेत रहने को कहा गया है। रांची से खुलने वाली कुछ ट्रेन और फ्लाइट रद्द हो गई। बादल छटने के बाद ठंड बढ़ सकती है। तूफान में चौंग ने चेन्नई और तमिलनाडु में कहर बरपा रखा है। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान अपने मकसद को पूरा करने के बाद वापस पृथ्वी की कक्षा में लौट गया है। यह चंद्र मिशन में इसरो की बेहतरीन कामयाबी मानी जा रही है। यह न केवल चंद्रमा पर लॉन्च करने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन करता है, बल्कि उन्हें वापस लाने की शक्ति भी रखता है। इसरो ने मीडिया से कहा कि चंद्रयान 3 के मिशन उद्देश्य पूरी तरह से पूरे हो गए हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल के संबंध में मुख्य उद्देश्य लैंडर मॉड्यूल को जीटीओ से अंतिम चंद्र ध्रुवीय गोलाकार कक्षा तक ले जाना और लैंडर को अलग करना था। बीते 23 अगस्त को विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर अपनी ऐतिहासिक लैंडिंग की और उसके बाद अज्ञात चंद्र दक्षिणी ध्रुव का सर्वेक्षण करने के लिए प्रज्ञान रोवर को तैनात किया था। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहराम लाइव.com के साथ।